सब लोग पढ़ना, पढ़ाई करना, पढ़ाई छोड़ना मत कोई। कल तुम लोगों को मैकेनिक्स का एक लेक्चर और दे देंगे, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है और फिर भैरिगुनन प्रिंसिपल है उसका, और प्लस में उसके साथ न्यूमेरिकल का। तो कल वाला लेक्चर से तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, और दो दिन के बाद फिर सेकेंड चैप्टर का भी वीडियो दे देंगे इक्विलिब्रियम का, तो वहाँ से भी तुम लोग देखना। और फिर बचेगा फिजिक्स, तो फिजिक्स ये सब में भी आएंगे। और आईटी, आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ना, तुम लोग इसमें देखो बेसिक कंप्यूटर के बारे में है, तो अगर तुम लोगों के पास बुक होगा ना तो इसको ना अपने से अभी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अपने से कुछ कुछ पढ़ना फिर हम बताएंगे तुम लोगों को। लेकिन उसको मतलब ऐसा नहीं है कि टोटली मेरे ही भरोसे रह जाना कि नहीं सर पढ़ाएंगे तभी, ठीक है हम पढ़ाएंगे उसको, लेकिन तुम लोग ना भी उसको खुद से थोड़ा थोड़ा रिवीजन मतलब कि पढ़ते रहना, शायद कुछ कुछ समझ में आए ना। जैसे देखो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर में हम लोग डिफिनीशन देख चुके थे, डिफिनीशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो वेक्टर में एक चीज़ और पढ़ना था हम लोग को, जैसे वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, एडिशन एडिशन क्या कैसे होता है वेक्टर का। देखो अगर वेक्टर को एडिशन करना, यानी वेक्टर एडिशन मतलब कि वेक्टर लॉ, LDIDION, जो 12th किया होगा उन लोगों को तो आसान होगा, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 10th वाले लोग समझना। देखो वेक्टर एडिशन किसको बोलते हैं, जैसे दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इसका कुछ नाम दे दे रहे हैं, ये वेक्टर है ये, और एक मान लेते हैं कि दूसरा ऐसे कहीं बी वेक्टर है। अब इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है, बताया थे कि ये देखो इसको इसका अलग नाम देते हैं, इसका अलग नाम देते हैं, कहीं हेड मिलेगा, कहीं टेल मिलेगा, फिर कहीं ओरिजिन मिलेगा, अलग अलग फॉर्मेट के साथ नाम तुम लोगों को देखने को मिलेगा, कहीं इनिशियल पॉइंट देखने को मिलेगा इसको, फिर हम लोग फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट देखेंगे, अलग अलग रहता है, कहीं इसको हेड बोला जाता है, इसको हेड और इसको टेल बोला जाता है फिजिक्स के भाषा में। अगर इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो देखो ऐड करने का नियम क्या है, जहाँ जहाँ पे ये छोर खत्म हुआ है उसका इसके साथ धरा, यानी जनरली ये इस तरह से ऐड होगा, यानी ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर इधर कहीं ऐसे ऐड होगा, सॉरी यानी ए हो जाएगा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट ये, यानी ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स लॉ इसको बोलते हैं, यानी एक ट्रायंगल की तरह बन जाता है अगर दो वेक्टर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर ये कितना डिग्री पर हम मोड़ेंगे, तो अभी कोई फिक्स नहीं रहता, बस एक ट्रायंगल बना दो हो जाएगा, ट्रायंगल्स लॉ इसी को बोला जाता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ में वेक्टर एडिशन क्या होता है, बस दो वेक्टर दिया हुआ है उसको ऐड करना है, तो इस फॉर्मेट के थ्रू ऐड कर सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। पैरालेलोग्राम भी सेम होता है, उसमें भी बना दो इधर, तो बस वेक्टर एडिशन का यही है, इसको हम लोग का उतना यूजेज नहीं आएगा, बस समझ लो ऐसे ही कि वेक्टर एडिशन ऐसे होता है। अब इसके बाद कुछ कुछ ना और आगे देखते हैं, लिखते जाना नहीं तो स्क्रीनशॉट मारते जाना, बाद में फिर उतार लेना लिख लेना। जैसे कि अब वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो इसका कुछ कुछ नियम होता है, तुम लोग भी पढ़ा होगा और बुक दिए होंगे ना उसमें, तो उससे देखा होगा लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर को जोड़ने का कुछ कुछ नियम है, क्या क्या नियम है, जैसे अगर दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, अच्छा इसका पहले नाम दे देते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, जिसको साहचर्य नियम तुम लोग पढ़ा होगा पहले, COMUTATIV, कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य नियम ही शायद बोलते हैं, या क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम ही बोलते हैं। इसका क्या होता है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको ना अगर हम लोग बी वेक्टर को पहले और ए वेक्टर को बाद में भी लिखे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे होता है ना या तो 4 + 2 जोड़े
या 2 प्लस 4 जोड़े, दोनों का वैल्यू फाइनल क्या आएगा, 6 ही आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य नियम यही होता है कि वेक्टर को आगे पीछे करके हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा इसमें ना। अब इसके साथ एसोसिएटिव लॉ भी होता है, जिसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे भी करके जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ, वैसे तो ये सब कुछ इस समय जान नहीं है, बस केवल टाइम पास है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक। अगर देखो मान लो कि पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करके इसके बाद ए वेक्टर को जोड़ रहे हैं, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले जोड़ दे रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं और सी वेक्टर को बाद में जोड़ रहे हैं, तब वो दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, दोनों का रिजल्ट सेम निकलेगा। एसोसिएटिव लॉ इसी को बोला जाता है। थर्ड हम लोग का एडिशन लॉ। देखो कोई भी वेक्टर में अगर नल, कोई भी वेक्टर में अगर नल वेक्टर ऐड करेंगे ना, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि उसका एक स्पेशल नाम दे दिया हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। अगर MCQ क्वेश्चन पूछेगा ना, तो MCQ में ये सब डाल देता है, तो इसीलिए ये सब MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, ADDIV, एडिटिव इनवर्स। देखो इन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में हम लोगों को क्या है कि कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर कोई भी दिया हुआ, अगर इस ए वेक्टर के साथ अगर हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ऐड करें ना, या जीरो वेक्टर के साथ अगर हम लोग ए वेक्टर ऐड करें, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें तो कुछ मैग्नीट्यूड है ही नहीं, भले डायरेक्शन है लेकिन इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा क्या, फाइनली रिजल्टेंट हम लोगों को क्या मिलेगा, ए वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। वेयर, यहाँ याद, इसको याद रखना इस पॉइंट को, द वेक्टर यहाँ पे ये किस चीज का काम कर रहा है, एडिटिव इनवर्स का। द वेक्टर जीरो वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब ना कि कोई भी वैसा वेक्टर जिसमें ऐड करने के बाद ना उस वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उसी को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। फोर देखो, बस जनरली चार तीन को याद रखो। और चौथा में और क्या हो सकता है, जैसे कि अगर ये कोई वेक्टर है, इसमें भी एडिटिव इनवर्स रहेगा, जैसे कि मतलब कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी इसके साथ ऐड, जैसे यहाँ पे देखो ऐड किए तो फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एगो एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड किए, एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड किए तो इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह ए वेक्टर अगर दिया हुआ, अगर इस ए वेक्टर के साथ अगर माइनस ए वेक्टर अगर हम लोग जोड़ दे, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर में क्या डिफरेंस है, और दोनों का ऐड कर, देखो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस पे गौर करना इस जगह पे, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इसके पीछे क्या है, वन वन है, कॉन्सेप्ट समझना इसको, दोनों के पीछे वन वन है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इसका केवल क्या है, ये जिस जो डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट इसका ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बता रहा है, माइनस यही यहाँ पे बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है, एक को इधर गया और एक को इधर आ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या अपोजिट है, तो वैसे एक सिचुएशन में इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, या नहीं तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, यानी पहले माइनस ए वेक्टर डालो, प्लस ए वेक्टर डालो, दोनों को ऐड करने के बाद फाइनली हम लोग को क्या मिलता है, जीरो ही मिलेगा। यहाँ पे ये जो माइनस ए वेक्टर था ना, ये हम लोग को यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का काम कर रहा है। अब देखो बस इतना ही इसमें रहेगा और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी दो वेक्टर को आपस में जोड़ के अगर इधर उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी वेक्टर के साथ अगर जीरो वेक्टर ऐड करे तो फिर फाइनली वही जो ओरिजिनल वेक्टर है
वही वेक्टर मिलेगा, वेक्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर एक वेक्टर है यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एक वेक्टर अपोजिट है, मतलब एक वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का जो फाइनल समेशन निकलेगा ना उसका वो किसके बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये था एडिटिव ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है उसको देखो, इसको मिटाते हैं। देखो इसके बाद क्या बता रहा है ना, इसके बाद देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है। अच्छा देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जैसे हम लोग ना कि अगर लिखते हैं 5 5 AB, 5 AB एक हम लोग वेक्टर लिखते हैं, फिर पहुंचा देना, काम करना ऑन है। देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, 5 AB है, यहाँ पे AB तो हम लोगों को वेक्टर बता रहा है, लेकिन जो इसके पीछे वाला है ना ये हम लोगों को क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक ना। ये AB हम लोगों का क्या बता रहा है, ये वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर के पीछे ये हम लोगों को क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बताता है। इसको देखो, इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी जैसे इसको अगर अलग अगर अलग फॉर्मेट में, नहीं बस यही याद रखो, बस ऐसे ही रखो। जैसे कि अगर कोई भी हम लोगों का मान लेते हैं कि 5 A कोई वेक्टर है, ठीक, यहाँ से तो हम लोगों को पता चल गया कि 5 हम लोगों को क्या है, 5 हम लोगों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड बता रहा है, 5 मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ए हम लोग का क्या है, वेक्टर है। अगर मान लेते हैं कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है, तो 5 तो है ही है अपना कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी अगर बोल दे कि 5 A का हमको क्या निकालना मैग्नीट्यूड, यानी इसका ये अपना इसका ए वेक्टर है ना, इस ए वेक्टर का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका तो मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में भी डाल सकता है 5 A, क्योंकि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5, या इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, 5 मैग्नीट्यूड है, जबकि ए एक वेक्टर है, लेकिन इस ए वेक्टर का भी कुछ अपना मैग्नीट्यूड होगा। अब जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्वेश्चन में हम लोग को देखेंगे, एक इस तरह का फॉर्मेट देगा। और एक देखो, एक तुम लोगों का ना मैक्सिमम कंडीशन में एक नल वेक्टर निकालने के लिए बोल, सॉरी नल वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलता है, यूनिट वेक्टर। तो देखो पूरा मतलब कि हम लोगों को वेक्टर में ना यूनिट वेक्टर हर एक जगह देखने को मिलेगा, हर एक जगह। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर का तुम लोगों को हम साइन बताए थे, यूनिट वेक्टर को कैसे एक कैप से डिनोट करते हैं, कैप यानी ये वाला से ऐसे रहता। अगर ये देखो एक अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना, ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, कितना भी इस वेक्टर का वैल्यू देगा, कितना भी इसका भी वैल्यू हो सकता है, ये वेक्टर में जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर। आई होप नहीं समझ में आया होगा ये चीज़, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तब भी ये चीज़ तुम लोग लिख लो। ऐसा नहीं कि ए ही वेक्टर, यहाँ कोई भी अलग अलग टाइप का वेक्टर हो सकता है, जैसे एक अगर ए भी कोई वेक्टर होगा, अगर इसका हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर, ए बी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ए बी का मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी छाप लो, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये हम लोग को ना यूनिट वेक्टर ये बोलेगा कि बार बार मतलब कि क्वेश्चन में फंसाएगा, पूरा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा ना कि ये जो वेक्टर दिया हुआ ना इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो उसको निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे पहले ये लिखो। ये सब छोटा छोटा पहले टर्म बता देते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में हम लोगों को काम देगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और वेक्टर 3D वेक्टर पढ़ रहे हैं, 2D वेक्टर नहीं। 3D वेक्टर कहने का मतलब ना कि कोई भी डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो 3D वेक्टर पढ़ रहा है ना, तो 3D वेक्टर का एक तुम लोग को पहले हम डायग्राम दिखाएंगे, इसके पहले इसको पहले हम मिटाते हैं। जैसे देखो 3D वेक्टर का डायग्राम किस तरह से बनता है, 3D वेक्टर यहाँ तो तुम लोग देख नहीं पाओगे, जैसे कि इधर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर हम लोग का क्या है
वाई एक्सिस यानी जब भी कोई भी चीज थ्री डी यानी 3D डायमेंशन में देखोगे ना, तो उसका 3 गो डायमेंशन दिखेगा। अभी तक तो हम लोग को XY डायमेंशन दिख रहा था, एक और डायमेंशन हम लोग को दिखेगा इधर, Y डायमेंशन दिखेगा। यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन रहता है। आई होप यहाँ तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये रियल में ऐसे खड़ा है इस तरह का। अभी एक इमेज दिखाते हैं तो इमेज से समझोगे। इसको हम लोग बोलते हैं यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है, लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अभी देखते जाना, कुछ ना कुछ जरूर बुझाएगा अंतिम में। अभी नहीं बुझा रहा है तो बुझा जाएगा सब। जैसे देखो, अगर इस वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट यानी इस वेक्टर का कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा ना, कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा। जैसे एक तुम लोग को ना, हम पहले एक इमेज दिखाते हैं, उस इमेज को देखना और समझना, तो फिर कुछ आइडिया लगेगा। नहीं तो तुम लोग भी, अगर हो सकता है तो तुम लोग भी मोबाइल में सर्च मार के देख सकते हो अपना अपना गूगल से 3D वेक्टर डायग्राम। नहीं देखेगा तुम लोग, कोड़िया है, हम ही दिखाते हैं। यहाँ देखो 3D वेक्टर डायग्राम हम लोग का है, यही हम फिगर दिखा रहे हैं तुम लोगों को। ये देखो, अगर ये फिगर समझ में आ रहा होगा, ये देखो, अगर शायद शायद अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखो ना। अच्छा एक सेकेंड रुको, दिखाते हैं कुछ फिगर हम तुम लोग को, वहाँ से ना समझ जाओगे अच्छा से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। एक सेकेंड रुकना तुम लोग, हम स्क्रीन शेयर करके और कुछ दिखाते हैं फिगर। देखो यहाँ पे यही चीज हम दिखा रहे थे तुम लोगों को। यही है हम लोगों का, देखो 3D में है, और इसका जो ये रिजल्टेंट निकलेगा ना, किधर एक आध फिगर दिख जाना जिससे तुम लोग समझ सकते हो। ये देखो यहाँ पे देखना इसका तुम लोग, यहाँ पे देखो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस दिखा रहा है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वाई एक्सिस दिखा रहा है, इधर हम लोग का क्या दिखा रहा है, जेड एक्सिस। रियल में ये क्या है, उठा हुआ है ऊपर की ओर। ये कौन अभी ज्वाइन कर रही है उसको, यहाँ देखो ये था हम लोग का, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हम लोग का, और इसका जो रिजल्टेंट ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट है ना ये इधर भागेगा, और ये जो रिजल्टेंट होता है ना, ये रिजल्टेंट इस तीनों एक्सिस का रिजल्टेंट है, तीनों एक्सिस का। और यहाँ पे ध्यान रखना, इधर एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को के कैप से। ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है। स्क्रीन पर मत लिखो आदित्य कुमार, तुम लोग स्क्रीन पर कुछ मत लिखना, स्क्रीन पे मत लिखो ना तो लॉक कर देंगे यहाँ से। फिर जितना बोल रहे हैं उतना देखो, जैसे देखो ये एक इमेज है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। ये इमेज से देखो, हाँ ये इमेज से कुछ बुझाएगा। यहाँ पे देखो ये हम लोग का क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग का क्या है वाई एक्सिस है, इधर हम लोग का जेड एक्सिस। ये रियल में जेड एक्सिस ना सामने खड़ा है। क्यों लिख रहे हो सुजीत कुमार प्रवीण, मतलब तुम लोगों को मिल गया नया चीज, बस छटपटाना शुरू कर छोड़ शुरू हो जाता है। रुक जाना, सोच रहे तुम लोग पिक्चर दिखा दिखा के कुछ कुछ पढ़ाएं ताकि अच्छा से समझ में आए। और यही हम लोग का ये जो रिजल्टेंट है ना, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। जैसे ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स एक्सिस में जितना भी मेजरमेंट होगा उसको हम लोग आई, यानी एक्स एक्सिस में जितना भी मेजरमेंट होगा उसका यूनिट वेक्टर आई से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में जितना भी मेजरमेंट होगा यूनिट वेक्टर उसको आई जे से इसको डिनोट करेंगे, और इधर जितना जेड होगा इधर के से डिनोट करेंगे। और ये हम लोग को क्या बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, और जिसको हम लोग इस फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक ना,
जिसको हम लोग इस फॉर्मेट में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है वो। ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर एक तरह का पोजीशन वेक्टर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो तीनों एक्सिस है ना, तीनों एक्सिस का कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर दो गो एक्सिस रहता था तो इस पॉइंट पे कोई भी इस पॉइंट पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे क्या करता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक और एक्सिस आ गया यानी 3D आ गया, अब तीनों को एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशन वेक्टर बोलते हैं उसको। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक आध गो और अगर ऐसा फिगर है तो देखते हैं, शायद यहाँ पे ओरिजिन है, इससे समझोगे नहीं। अब देखो जैसे कि अगर ये जितना भी एक्स एक्सिस में अगर कुछ भी मिले तो यूनिट, देखो अभी यूनिट पे बात करेंगे ना, यूनिट पे बात करेंगे तो जितना भी एक्स एक्सिस में यूनिट आएगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर यानी आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप से, कैप लग गया मतलब यूनिट। और अगर इधर सॉरी किधर एक्स वाई जेड है यहाँ पे ना, इसको के कैप से डिनोट। अगर हम लोग को इसका तीनों एक्सिस का अगर तीनों एक्सिस का ये निकालना कोऑर्डिनेट, तो तीनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस रहेगा जिसको आर वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर हम लोग का क्या है, एक तरह का पोजिशन वेक्टर। और ये देखो ये जो पी है ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई और जेड तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझना, 3D है तो 3D में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, और ये स्पेस में काम हो रहा है, 3D स्पेस में ही होता है। अब देखो ये आई जे के क्या है, इसको लिख देते हैं, आई जे यूनिट है, आई जे एंड के। जैसे कि एक्स एक्सिस में होता ना पांच कुछ भी होता मैग्नीट्यूड होता, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी इधर मैग्नीट्यूड होता है एक्स एक्सिस में, तो उसको हम लोग पहले यूनिट पे लेके बात कर रहे हैं, तो वही लिख रहे हैं आई जे एंड के बी यूनिट वेक्टर एलोंग आई है एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स 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 आई एस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, ये है आई जे के है। और अगर ये जो हम लोग का ये जो आर वेक्टर मिला, ये तो आर का हम लोग का एक तरह का पोजीशन वेक्टर। अगर यहाँ से आर वेक्टर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो आर भी तो एक हम लोग का, ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर बताता है ना, यहाँ से हम लोग से पूछता है पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। तो अगर आर वेक्टर निकालना है तो ये आर वेक्टर तीनों को मिला के हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आर वेक्टर को फॉर्म में लिखना है, आर वेक्टर को, आर को वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है, तो आई आई में हम लोग यानी एक्स एक्सिस में कितना गया, आई आई हम लोग का यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर है, उसमें अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स आई मिल जाएगा, एक्स आई। प्लस में हम लोग का अगर वाई एक्सिस में जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई जे। प्लस अगर के एक्सिस में जाए तो हम लोग सॉरी जेड एक्सिस में जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, जेड के यूनिट वेक्टर। यानी आर वेक्टर बराबर हम लोग को क्या मिलता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और वेयर आर, जहाँ पे आर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर को हम लोग बोल सकते हैं पोजिशन वेक्टर ही बोलो, पोजिशन वेक्टर से हो जाएगा काम, या नहीं तो फिर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बोलो। ये तीनों वेक्टर था, तीनों वेक्टर का ये कंपोनेंट है आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये हम लोग का, या नहीं तो इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। देखो ये पोजीशन वेक्टर है पी जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको लिखने का फॉर्मेट क्या है हम लोग का, आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका कहने का मतलब है देखो आई यहाँ पे बता रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट के साथ अगर हम लोग कुछ भी एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे
हम लोग को एक्स एक्सिस में जितना आगे गए वो मिलेगा, इसमें जितना गए वो मिलेगा, इसमें जितना गए वो मिलेगा। बस अगर इधर मैकेनिज्म नहीं समझ में आए तो इसको याद रखना। आर वेक्टर को हम लोग पोजिशन वेक्टर बोलेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर देखो ये तो हम लोग का एक वेक्टर निकला, वेक्टर वेक्टर का फॉर्म है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर उस मैग्नीट्यूड को निकालना है तो ध्यान रखना उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। जो भी आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस ये फॉर्मेट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का, ये तो हम लोग का वेक्टर कंपोनेंट है। और देखो एक्स वाई जेड ये हम लोग को क्या बता रहा है, एक्स रियल में वेक्टर क्या है, आई जे के वेक्टर है, लेकिन एक्स वाई जेड हम लोग को क्या बता रहा है ना, एक तरह का ये स्केलर बता रहा है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर कोई भी एक, जैसे ये ना एक समझो कि ये जनरल फॉर्म है वेक्टर का, अगर कोई भी 3D फॉर्मेट में वेक्टर हम लोग को दिया जाए, 3D 3D पिक्चर के साथ वेक्टर, तो उसका 3 गो डायमेंशन मिलेगा, 3 गो, और तीनों को इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि अगर कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ, आर वेक्टर यानी सॉरी पी वेक्टर दिया हुआ, पी वेक्टर अगर दिया हुआ है मान लेते 3i + 2j + 3k, तो इसका कहने का मतलब कि आई डायरेक्शन में, यानी आई कहने का मतलब एक्स डायरेक्शन में हम लोग 3 यूनिट आगे बढ़े, जे डायरेक्शन कहने हैं जे जे यानी वाई एक्सिस में 2 यूनिट बढ़े, के मतलब जेड को रिप्रेजेंट करता है, के डायरेक्शन हम लोग 3 यूनिट बढ़े, आई जे के यानी आई का कोएफिशिएंट 3। तो 3 हम लोग को क्या बता रहा है, 3 है एक तरह का स्केलर कंपोनेंट, ठीक स्केलर कंपोनेंट, और इस दोनों को मिला दे, 3 या दोनों को मिला दे तो एक तरह का वेक्टर कंपोनेंट हम लोग को बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ से भी तुम लोग लिख सकते हो एक्स वाई एंड जेड बी ए स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट मतलब कि केवल और केवल इसके पास मैग्नीट्यूड है, और है भी केवल मैग्नीट्यूड। अगर एक्स वाई जेड कर लेंगे यानी 3 2 3 को लेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा, जबकि पूरा को लेंगे, जबकि पूरा को यानी एक्स आई वाई जे और जेड के पूरा को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग को, ये वेक्टर कंपोनेंट बता देगा। क्यों वेक्टर कंपोनेंट बताएगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो है ही है, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, आई जे के यूनिट वेक्टर है, तो पक्का उसके पास डायरेक्शन होगा, और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो यानी जो हम लोगों को वेक्टर और स्केलर दोनों को फॉर्मेट में दिखा है, और एक जनरल फॉर्मेट हम लोगों का वेक्टर का जनरल फॉर्मेट यही है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक देखने को मिलेगा, पोजीशन वेक्टर बोलेगा कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, इसी तरह से बोलेगा जब क्वेश्चन भी आएगा ना तो वहां पे हम लोग देखेंगे। कुछ आ रहा है समझ में तो बोलो। नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आगे क्वेश्चन में फिर और हम लोग समझ। क्या अरे लगेगा तो लगा दो, नहीं का दिक्कत है लगा दो। ऐसे भी आई जे के बता रहा है कैपी, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो ये 3i है ना, 3i, तो इसके लिए यूनिट यहाँ पे क्या कोई जरूरी नहीं, क्योंकि तो नेटवर्क नहीं है, तब का करें, अब हम भेजें नहीं तो फिर वीडियोज देख लेना ना, जो भी रिकॉर्डेड है फिर से तो संभव नहीं ना, स्टार्टिंग से करना, रिकॉर्डेड वीडियोज देख लेना। चलो यहाँ तक हो गया ना, अब यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये सब ना जनरल फॉर्मेट बनता है ना, इसीलिए थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है। अब जब यहाँ पे क्वेश्चंस घुसाएंगे ना क्वेश्चन, तो वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखना ना। पहले ये सब लिखो ना तुम लोग कॉपिया में, कॉपिया में खाली छापो ना, जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक। देखना एको पॉइंट मिस मत करना, सब काम देगा आगे। और डायरेक्शन रेशियो भी, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ये भी, अच्छा ये भी सीखिए लो, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अब पढ़ाइए रहे हैं तो सभी पढ़ा देते हैं।
डायरेक्शन रेशियो, तुम लोग का बुक दिए हैं उसमें सारा चीज़ है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन सब समझ सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कोसाइन, ठीक, देखो ये क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। जैसे अभी अगर हम लोग को कोई भी एक वेक्टर का फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एक्स वाई जेड के, ये एक तरह का हम लोग का क्या, एक वेक्टर का फॉर्मेट दिया हुआ है। आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक हम लोग का क्या है, वेक्टर का फॉर्मेट है। आर भी वेक्टर। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना कि इसका इसका देखो यहाँ पे आई जे के का स्केलर यानी एक्स वाई जेड यहाँ कौन सा फॉर्मेट में है, देखो तो एक्स वाई एंड जेड बी अभी जस्ट बताएं, बी ए स्केलर कंपोनेंट है ना, स्केलर स्केलर कंपोनेंट यानी केवल और केवल हम लोग को ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसके अलावा तो ये कुछ नहीं बता रहा। और ये जो स्केलर कंपोनेंट होता है ना एक्स वाई जेड, यही कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। यही एक्स वाई जेड बी स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर एंड इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्शन रेशियो। लिख लो इसको भी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर ना दिख रहा, लिख लो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ आर रेशियो, सॉरी आर। अब डायरेक्शन रेशियो तो समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, कोई भी अगर एक हम लोग को वेक्टर का फॉर्मेट दिया, मान लेते ए बी कोई वेक्टर का फॉर्मेट है, 7i+9j प्लस 7k इस तरह का दिया हुआ है, अगर इस ए बी वेक्टर का अगर हम लोग को डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 7 9 एंड 7 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक, इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और है डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है वो देखो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर आर गिवन बाय, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर आर गिवन बाय, आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को कैसे निकलेगा, देखो आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, एक एक करके लिखो, देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स है, तो डायरेक्शन रेशियो एक्स का अगर हम लोगों को एक्स का कोसाइन लिखना है तो क्या लिखेगा, हम लिखाएगा हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को निकाल लिखाएगा एक्स जो डायरेक्शन रेशियो, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो भी ये हम लोग का वेक्टर दिया हुआ है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो एक्स वाई जेड का मैग्नीट्यूड हम लोग को क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स का निकलेगा, फिर वाई को भी करेंगे वैसे ही, वाई का निकालना है तो फिर इसमें भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, फिर इस जेड को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, लिख लो अगर डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में हो जाएगा, इसको भी लिख लो। अब इसको इतना ही तक रखो, यहाँ तक हो गया, इसको अब यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस पे, अब क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेहतरीन तरीका से कुछ और दिमाग में आएगा, ठीक ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कुछ दिमाग लगाते हैं, और ये सब जितना है ना ये सब सारा चीज यूज होगा देखना, अब क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज होगा ना वो सब हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। जैसे देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग का फर्स्ट एग्जांपल का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या बोलता है ना कि जैसे दो वेक्टर दिया हुआ है यानी ए वन एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, देखो वेक्टर का फॉर्मेट क्या रहेगा, ए वन आई, आई यूनिट वेक्टर है डाल दे रहे हैं यूनिट वेक्टर प्लस 3j, तुम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल है 3j प्लस ए 3k वेक्टर है, ए वो वेक्टर दिया हुआ है एंड बी वेक्टर बराबर कुछ हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i प्लस
बी टू जे प्लस के, और बोला हुआ है कि इफ ए वेक्टर बराबर क्या है बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ, तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन बी टू एंड ए थ्री। तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देखो ये हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इसको ना सबसे पहले हम लोग काम करते हैं। हम लोग दिया हुआ का ए और बी ए को वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर का फॉर्मेट तो समझ रहे हो आई जे के फॉर्मेट में मिलेगा हम लोगों को। अब ये देखे थ्री डी में आई जे के फॉर्मेट में मिलेगा। आई आई किसको बोलते हैं, आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, के कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल, सॉरी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक्स एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिगर के थ्रू समझते हैं, अब इसका निकालना और कंडीशन अप्लाई किया है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे की इक्वल है, तो ठीक है दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो लिखते हैं हम लोग ए वन आई प्लस थ्री जे वी प्लस ए थ्री के बराबर टू आई प्लस बी टू जे प्लस के यूनिट वेक्टर। अब दोनों करे से हम लोग क्या करते हैं ना कि इक्वेट करते हैं, इक्वेट कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो क्योंकि दोनों एक दूसरे की इक्वल है। तो देखो ए वन आई बराबर टू आई है, तो आई आई तो यहाँ पे ए वन बराबर क्या मिलेगा, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड हम लोग कंपेयर करेंगे ना तो हम लोग क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड ए वन बराबर हम लोगों को निकलेगा यहाँ से ए वन बराबर निकलेगा टू, और यहाँ से क्या निकलेगा बी टू बराबर हम लोगों को क्या निकलेगा थ्री, और यहाँ ए थ्री बराबर हम लोगों को क्या निकलेगा ए थ्री बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है वन, यानी ए थ्री बराबर वन निकलेगा, ए वन बी टू ए थ्री निकल गया। यानी अगर फाइनली अब हम लोग को वेक्टर लिखना है वेक्टर का फॉर्मेट, तो क्या निकलेगा ए वेक्टर बराबर हम लोग ए वन बराबर क्या निकला, यानी टू आई प्लस थ्री जे प्लस ए थ्री बराबर क्या है वन के, यानी वन के ठीक। और बी वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर बराबर अब हम लोग को निकलेगा टू आई प्लस बी टू बराबर क्या निकला थ्री जे प्लस के। अब यहां से थोड़ा सा और काम हम करवाते हैं तुम लोग को, ये तो हम लोग को ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी ए वन बी टू ए थ्री तो निकल गया, अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तुम लोग को हम क्या बताए थे, यानी इस ए वेक्टर का यूनिट निकालना, यानी ए यूनिट निकलेगा क्या निकलेगा, ए वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे बस। यानी अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हम लोगों को निकालना है तो पहले इसको क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर प्लस वन, दो दूनी चार प्लस तीन त्याई नौ चार तेरह और एक चौदह अंडर रूट फोर्टीन, यानी मैग्नीट्यूड क्या निकला अंडर रूट फोर्टीन निकला। अब हम लोग को निकालना है यूनिट वेक्टर ना, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए एक कैप डालेंगे ऊपर, एक कैप बराबर क्या होगा, एक कैप बराबर ए वेक्टर ये टोटल है, तो टोटल लिखते हैं टू आई प्लस थ्री जे प्लस के वेक्टर, इसको डिवाइड क्या करेंगे मोड ऑफ ए। आई होप अब समझ में आ रहा होगा ये वाला फॉर्मूला, कायल हम लोग लिखे थे सो। देखो यहां से क्या होगा अंडर रूट फोर्टीन, अब क्या करो यही हो जाएगा क्या, यही यूनिट वेक्टर निकल गया हम लोगों को। अब या नहीं तो करना है ना, तो अलग अलग सबको फॉर्मेट में ब्रेक कर दो, हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यही हम लोग का यूनिट वेक्टर, इसी तरह से हम लोगों को निकलेगा। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा समझो, जैसे कि अगर ए वेक्टर कुछ है हम लोगों को मान लेते हैं कि 15 आया, यानी 15 ए आया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 15, अगर इसको हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे ना, यानी जो वेक्टर ये निकला इस वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना, तो हम लोगों को क्या निकल जाता है यूनिट, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या वन, तो वन मतलब कि क्या यूनिट वेक्टर में निकलेगा, तो यानी जितना इसका मैग्नीट्यूड होता है वही मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये वेक्टर था इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा,
वही मैग्नीट्यूड वैसे क्या कि हम लोग डिवाइड कर दिए, यानी 10 है, 10 किलोमीटर था। अगर 10 किलोमीटर को अगर 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे क्या निकलेगा, 1 किलोमीटर निकलेगा। 1 किलोमीटर कहने का मतलब ये यूनिट किलोमीटर है, यानी 1 यूनिट। उसी तरह वेक्टर में भी होता है, वैसे भी यूनिट वेक्टर बताए थे कि जिसका मैग्नीट्यूड केवल और केवल 1 रहे और डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मेन मकसद यही रहता है ना कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का जितना भी मैग्नीट्यूड आ रहा है उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस यूनिट में अपने आप चेंज हो जाए। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, कुछ करना नहीं था, बस दोनों को इक्वेट करके और दोनों तरफ से आई जे के से इक्वेट करके a1 b2 a3। तो एक ये हम नया क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए थे, a और b का फॉर्मेट हो गया, a का यूनिट वेक्टर निकाल दो, उसी तरह b का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। और फिर और आगे देखते हैं, वैसे देखो वैसे फाइनली देखो हम लोग को बोला था ना a वेक्टर b वेक्टर दोनों इक्वल है, तो देखो इक्वल भी निकल गया यहाँ पे, गौर करो। a वेक्टर बराबर क्या है, 2i 3j + k, b बराबर भी क्या है, 2i 3j k। देखो दोनों एक दूसरे का इक्वल है और कंडीशन में भी अप्लाई कर दिया था कि दोनों इक्वल वेक्टर है, आ गया ना दोनों इक्वल एक दूसरे का। तो यहाँ ये वैल्यू हम लोग निकाले, वैल्यू निकालने के बाद जब पुट किए तो पता चला कि दोनों एक दूसरे का इक्वल है। चलो अब आगे देखते हैं, एक और देते हैं उसको निकालो तो कितना आता है। तो इसी तरह का मिलेगा तुम लोगों को यूनिट वेक्टर, फिर पोजीशन वेक्टर, कैसे कैसे निकलेगा। अगर एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, अच्छा अभी ये वाला तो शायद क्वेश्चन में है, एक दे रहे हैं तुम लोगों ना उसको बनाओ। तो चौका 16 3 9 6 15, एगो वेक्टर लिखो 3i, अच्छा रुक जा थोड़ा सा और फॉर्मेट हमको एक दो को और बताते हैं तब ये निकालना क्वेश्चन। देखो कहीं कहीं ना इस तरह का भी दे देगा, जैसे ना कि कहीं कहीं कोई भी वेक्टर है ना वो इस तरह से देगा, xi + z कि, या नहीं तो रुक जाए, एक्स वाई इसको कुछ क्वेश्चन लेते हैं, यानी 5i + 6z का वेक्टर इस तरह से दे देगा। अब देखो यहां से ना आई फॉर्मेट क्या होता है, ij k होता है, अब यहां से k गायब कर दिया, तो क्या ये वेक्टर गलत हो गया, नहीं वेक्टर गलत नहीं हुआ। ये क्या बता रहा है ना कि एक्स एक्सिस में 5 यूनिट भाग रहे हैं और जेड एक्सिस में 6 यूनिट भाग रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस में क्या है हम लोग 0 यूनिट भाग रहे हैं, इसीलिए इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 5i + यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0j, क्योंकि j हम लोग को क्या बताता था, y डायरेक्शन में 0j हम लोग घुसा देंगे, प्लस में क्या करेंगे 6z लिख देंगे, ये हम लोग को निकल जाएगा ए वेक्टर का फॉर्मेट। यानी कहीं कहीं इस तरह से दे देगा, कभी जेड गायब कर देगा तो कभी आई गायब कर देगा कभी जे गायब कर देगा, तो उसको एक प्रॉपर तरीका में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी लिख लो, मेंशन कर लो कॉपी में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, अच्छा एक क्वेश्चन है जो एग्जांपल का तुम लोग का फोर्थ एग्जांपल, उसको देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ए बराबर, तो हो ही गया ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए वेक्टर बी वेक्टर। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, उसको समझ उसको देखो। तो जैसे कि देखो ए वेक्टर बराबर हम लोगों को कुछ दिया हुआ है और तुम लोगों ने बुक से बनाना है, ए वेक्टर बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 3i + 2j, ठीक, और बी वेक्टर बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2i 2i +
थ्री जे। और हम लोग से क्या, हम लोग से बोलता है ना, क्या इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, यानी क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और फिर हम लोग से पूछता है क्या दोनों वेक्टर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर दोनों इक्वल है। दोनों हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा पहले कि कौन सा कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो चेक करो, तो पहले बोलता है क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले ये वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j i j k प्लस 0k। अब निकालते ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, 3 के स्क्वायर यानी 3 × 9, 2 के स्क्वायर 2 × 4 प्लस या 0 × 9 = 13, √13 निकला। ए वेक्टर बी वेक्टर को भी निकालो, यानी 2 का स्क्वायर 2 × 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 9 प्लस के में मिलेगा 0, यहाँ पे भी मिलेगा √13। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, यानी ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो सही है, ये कंडीशन सही है, लेकिन क्या दोनों वेक्टर इक्वल है। अब उसको चेक करते हैं, देखो तो दोनों वेक्टर इक्वल है। यहाँ देखो आई आई यानी एक्स एक्सिस में 3 यूनिट भाग रहे हैं, जबकि बी में एक्स एक्सिस में 2 यूनिट भाग रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं है, यहीं से पता चल गया। और जे में भी देखो यानी वाई एक्सिस में भी कहाँ है, तो यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू नॉट ए बी वेक्टर, यानी ये वाला कंडीशन गलत है, फर्स्ट कंडीशन सही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तुम लोग को। अब देखो एक और क्वेश्चन है, उसको भी बता देते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रहता है तो उसको कैसे लिखेंगे ना, उसको देखो, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन भी याद रखना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सब बता दिए ना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कॉन्सेप्ट बताएं, उससे एक दो क्वेश्चन कर देंगे, करवा देंगे, बस हो जाएगा, बस समझ आओगे। जैसे देखो एक हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ठीक, वेयर, जहां पे वेयर ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है क्या 1 2 3 दिया हुआ है, एंड बी बराबर बी हम लोग को दिया हुआ है 4 5 6 दिया हुआ आर द गिवन पॉइंट, आर द गिवन पॉइंट, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मेट में इसको लिखो, ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ, यानी ए का वेक्टर हम लोग को क्या निकलेगा, यानी ए हमें ए क्या दिया हुआ, ये कुछ समझ में आ रहा है। फाइंड ए वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ ए बी वेयर ए बराबर इतना दिया हुआ, जबकि बी बराबर इतना दिया हुआ। अभी ना हम लोग देखे थे कि 3D एनिमेशन के थ्रू ये जो हम लोगों का यहाँ जो पॉइंट मिलता है वो यहाँ पी पॉइंट लिए थे, पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इस तीनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट, यानी एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में ये कोऑर्डिनेट था, ठीक, जबकि ये हम लोग को ओरिजिन था और ये हम लोग का क्या था, आर वेक्टर था, यानी आर वेक्टर हम लोगों को क्या मिला था, आर वेक्टर मिला था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हम लोग को मिला था। लेकिन ये पी क्या था, पी ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का ये पी पोजिशन पॉइंट, यानी ये मतलब ये पी हम लोग को क्या बता रहा था, ये पी ये बता रहा था कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उस पे कौन पॉइंट किस जगह पे है वो ये रिप्रेजेंट करता है, उसी जैसा ये रिप्रेजेंट कर रहा, ए इस पॉइंट की जैसा रिप्रेजेंट कर रहा। जबकि अगर इस ए को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में हम लोगों को लिखाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, या सॉरी पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, हाँ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी लिखो, या पोजिशन वही तो है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी बराबर आर वेक्टर था, उसी तरह यहाँ पे भी लिखो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे, एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट में है यानी आई हो जाएगा,
वाई डायरेक्शन में टू गए, टू यूनिट यानी वाई डायरेक्शन में टू जे हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में कितना गए, इधर जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में गए थ्री यूनिट यानी थ्री के हो जाएगा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, आई पहले लिखाता है प्लस टू जे लिखा जाएगा, प्लस क्या लिखा जाएगा, थ्री के लिखा जाएगा। ठीक, ये तो निकल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब उसी तरह बी का निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालो, क्या हम लोग को निकलेगा, इसको भी निकालो, फोर आई प्लस फाइव आई जे प्लस सिक्स के, ये निकल गया। जबकि हमको क्या बोलता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, हमको ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो निकल गया और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी निकल गया। ये ए और बी कहाँ निकला, ए और बी हम लोगों को यहीं पे निकल रहा है, यानी ए के को यही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यही है। जैसे हम लोगों का जब टू डी रहता था, टू डी डायग्राम में, तो टू डी डायग्राम में मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ दे दिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन रहता था ना, और मान लेते हैं कि एक पॉइंट कहीं ए को ए ने दे दिया, तो इसको एक्स टू और वाई टू कोऑर्डिनेट मानते थे ना, सेम यहाँ पे भी वही दिया। मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को ए दिया हुआ है, यहाँ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है वन टू थ्री, और इसी के जैसा एक और इसी में है जहां पे बी हम लोगों का पॉइंट, और बी क्या दिया हुआ है चार पांच छह, इस तरह से हम लोगों को दिया हुआ है। और अब हमको निकालना क्या, ए बी का डायरेक्शन, यानी ए बी पहले अब हमको ये दोनों निकालना होगा, ए बी, तो ए बी हम लोगों को यहाँ से कैसे निकलेगा, इसको देखो, ये अब हम लोगों को निकालना, फिगर देखो, फिगर दिमाग में बन जाएगा ना, तो क्वेश्चन बना दोगे। टू डी वाला अभी तक टू डी हम लोग पढ़ते थे, अभी हम लोग का थ्री डी वेक्टर पढ़ना है, तो थोड़ा सा टू डी से थ्री डी आने में इम्प्रूवमेंट तो करना होगा, थोड़ा जोड़ लगाना हो जाएगा। देखो हम लोग का निकालना वेक्टर ए बी ये वाला ना, अच्छा उफ, 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 अच्छा निकालो। देखो ए बी वेक्टर जब भी निकालना ना, तो क्या करना कि लास्ट वाला जो वेक्टर होता है ना उसको फर्स्ट वाला वेक्टर से माइनस कर देना, यानी लास्ट वाला वेक्टर से फर्स्ट वाला वेक्टर, सॉरी लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर से फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, तो हम लोग को निकल जाएगा ए बी। यानी ए बी हम लोग का ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस करो तो कुछ हम लोगों को डाटा निकलेगा, वन में से चार, तीन या चार, अब यहाँ पे बोलाएगा ना तुम लोग कितना ही सारा पोजीशन वेक्टर बी को ए से ही काहे घटा रहे, ये तो नाइंसाफी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम ए से बी को भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना कि नहीं सर अब ऐसे वैसे काहे कर रहे, लेकिन कोशिश करना ना कि जो बड़का है उससे छोटका में घटा है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब बड़का से छोटका घटाने में अच्छा लगता है। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये वाला है, इसमें से ये वाला घटा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के निकला, और माइनस यहाँ पे किए तो ये वाला निकला आई प्लस टू जे प्लस थ्री के वेक्टर निकालो। तो देखो फोर आई में से आई घटाएंगे तो क्या निकलेगा, थ्री आई निकलेगा, और फाइव जे में से टू जे घटाएंगे तो क्या निकलेगा, प्लस थ्री जे निकलेगा, सिक्स के में से थ्री के घटाएंगे तो प्लस थ्री के निकलेगा, अरे इसे आ गया थ्री आई थ्री जे थ्री के आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे ही कर दो कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए में से पोजिशन वेक्टर ऑफ बी घटाते तो हम लोग को मिलता क्या, माइनस थ्री आई मिलता, प्लस थ्री जे मिलता, प्लस थ्री के, सॉरी माइनस थ्री जे मिलता, माइनस थ्री के मिलता। तो देखो यहाँ तो हम लोग क्या बता रहा, अभी माइनस रिप्रेजेंट कर रहा, तो माइनस मतलब समझ रहे हो कहने भाग रहा है, अभी ये वाला भागेगा इधर माइनस की ओर भागेगा, ये वाला नीचे भागेगा माइनस की ओर, और ये वाला इधर भागेगा, यानी ये अभी पोजिशन ये वाला वेक्टर कहने बन जाएगा, अभी इधर बन जाएगा माइनस लोगे तो, बस यही मतलब माइनस और प्लस में क्या है ना कि डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, बाद लगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ए बी वेक्टर तो निकल गया, लेकिन निकालना है इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो निकालो ए बी का यूनिट क्या होगा,
ए बी का यूनिट मतलब कि ए बी जो वेक्टर है वो वेक्टर रहेगा और हम लोग को डिवाइड करेंगे ए बी के मैग्नीट्यूड से, तो निकालो तो क्या निकलेगा फिगर, देखना फिगर बनने लगेगा ना तो हो जाएगा, ऐसे दिमाग में भी समझ लो ये सब तो आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, कुछ बताओ तुम लोग, नेटवर्क बहुत भाग रहा है सर, रूट अंडर 27 इसको तोड़ो ना ये टूट जाएगा, ये टूटेगा कुछ में अरे इसको हाथ तोड़ो मेरे 27 में रहेगा और छोटा करो इसको अरे तो ए माइनस बी करो ना तो थ्री थ्री देखो तो कट ये जा रहा है यहाँ पे। यस सर, आई प्लस जेके प्लस थ्री मतलब रूट थ्री, रूट थ्री। ये क्या निकला, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वन वन हाँ सर रूट थ्री हो जाएगा नीचे। अब देखो इसी तरह का तुम लोगों को ना और आगे देखने को मिलेगा, और आगे और ध्यान रखना कि आगे भी तुम लोगों को यूनिट वेक्टर ही मिलेगा, और आगे और जाओगे ना थोड़ा सा तो थोड़ा सा और आगे भागोगे ना तो मिलेगा वही कोसाइन, और जो अभी हम लोग देखे थे कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन और कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। जैसे मैं इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, और यूनिट वेक्टर ही मिलेगा इसके बाद। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा हाँ ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे कल वाला भी और आज वाला भी, तो फिर वहां से देख लेना। अब जैसे देखो कि फाइंड इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्ट, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, फाइंड द डायरेक्शन। देखो ज्यादा भारी नहीं है, समझ जाओगे ना तुम सब। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड एंड द डायरेक्शन कोसाइन। अरे लड़की लोग आज कोई नहीं ज्वाइन किया है, कुछ बोल भी नहीं करते हम लोग। डायरेक्शन कोसाइन, सुमन कुमारी तो लक्ष्मी कुमारी, ज्योति कुमारी, नीबा भारती ज्वाइन तो किया है। तुम लोग बनाया करो रे, तुम लोग भी नहीं समझ में आता तो बोलना ना। अरे यार तुम शांत रहला करो, तुम लोग के चलते तुम लोग बोलती नहीं है तो तुम लोग थोड़ा धीरे धीरे बोले ला करो ना, तुम लोग डर जाती होगी, नहीं डरती नहीं होगी लेकिन बोल भी नहीं करती है हम लोग, पता नहीं कहा है। ओहो कहा बोल दिया, नहीं बोल। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर नहीं, तुम लोग लड़की लोग जो भी हो तुम लोग भी बोला करो, जो भी अगर नहीं समझ में आता तब भी बोलो, समझ में आता तब भी बोलो, कुछ भी पूछते हैं तब भी बोलो, बोलते रहो जब भी माइक ऑन करते हैं तो। कोसाइन ऑफ द, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, कौन सा वेक्टर दिया हुआ, जैसे एक आर वेक्टर दिया हुआ हम लोगों को, टू आई प्लस थ्री जे, थ्री जे प्लस के वेक्टर एक हम लोग को दिया हुआ, ये आर वेक्टर है, टू आई प्लस थ्री जे प्लस के वेक्टर, ठीक। अब इसका हम लोग को निकालना है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट निकल लिया जाएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या, डायरेक्शन रेशियो दो तीन और एक, यही ना डायरेक्शन रेशियो होता है जो आई जे के का कोएफिशिएंट होता है, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो
दो के स्क्वायर प्लस तीन के स्क्वायर प्लस एक के स्क्वायर, दो दूनी चार प्लस तीन त्या नौ प्लस एक नौ चार तेरह एक चौदह अंडर रूट फोर्टीन आएगा। अब फिर अंडर रूट फोर्टीन अब हम लोग को निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा टू बाय अंडर रूट फोर्टीन हो जाएगा, और ये क्या है थ्री बाय अंडर रूट फोर्टीन हो जाएगा और वन बाय अंडर रूट फोर्टीन हो जाएगा, यही हो जाएगा यही है डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद तुम लोग का सेक्शन फार्मूला, लेकिन ना देखो ये सब उतना है नहीं तुम लोगों को सिलेबस में, लेकिन घींच दे रहे हैं पढ़ा दे रहे हैं, एक एक दिन दो दिन ज्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा। और इसका फिर इधर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से भी देखना, एक्सरसाइज से भी बनाना, ज्यादा भारी भारी तो रहता नहीं है एक्सरसाइज वहां में।